नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कहते हैं कि सरकार का सबसे पहला दायित्व लोगों की सेवा करना होता है और सरकार को चलाने वाले मंत्री यदि सही नियत से काम करें तो लोगों की सेवा जो है वो संपूर्ण भाव से होती है और फिर समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहता है जिस तक सरकार की मदद ना पहुंच पाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने जम्मू स्थित कार्यालय से ऐसी ही एक मदद को अंजाम दिया जिससे कि रामबन जिले के रहने वाले दो युवा जिनकी कि अहमदाबाद में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनके परिवार जन जो थे वो उनके शवों को वहां से नहीं ला पा रहे थे, लेकिन रामबन बीजेपी यूनिट ने जब जम्मू स्थित गांधीनगर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो यहाँ पर उनका ऑफिस है जब वहां पर उन्होंने संपर्क किया और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत करवाया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जम्मू ऑफिस से उन्हें सीधा संपर्क किया गया और उन्हें ये बताया गया कि रामबन के रहने वाले महेंद्र सिंह सन ऑफ करतार सिंह जो कि ड्राइवर था और उसके साथ जीत सिंह सन ऑफ चुनीलाल, ये दोनों रेसिडेंट्स ऑफ पंचायत सना तहसील बटोत रामबन निवासी हैं और इन दोनों की अहमदाबाद में एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी है और इनके परिवारजन जो है वो इनके शवों को वहां से रामबन ला पाने में असमर्थ है और आपकी सहायता की अपेक्षित है। अपने जम्मू कार्यालय से ये जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तुरंत हरकत में आते हुए हरीश संघवी जो कि गुजरात के गृह मंत्री हैं उनसे संपर्क किया और उन्हें ये बताया कि महेंद्र सिंह और जीत सिंह जिनकी की वहां पर एक सड़क हादसे में मौत हुई है और ये विवेकानंद नगर जो पुलिस स्टेशन है उसकी ज्यूरिडिक्शन में ये सड़क हादसा हुआ, वहां पर इन दोनों की मौत हुई। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तुरंत गृह मंत्री से ये कहा कि इन दोनों के शवों को जो है वो तुरंत वहां से रिलीज किया जाए और जो लोग शव लेने के लिए आएंगे उनकी आर्थिक तौर पर मदद भी की जाए। शव को लेने गए तीन लोग जिनमें की सरपंच तुलसीदास भी शामिल था। इस तुलसीदास ने बताया कि किस प्रकार गुजरात प्रशासन और पुलिस ने उनकी हर संभव सहायता की, उन्हें एयरलिफ्ट करने तक के लिए उन्हें कहा लेकिन निजी कारणों के चलते उन्होंने एयरलिफ्ट का जो विकल्प था वो नहीं चुना और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले में उनकी बहुत सहायता की। मेरा नाम तुलसीराम है, मैं पंचायत सन्ना का रहने वाला हूँ। मेरी डिस्ट्रिक्ट रामबन है, तहसील बटोत है, जो कि इसी महीने पहली तारीख को हमारे दो लड़के एक महेंद्र कुमार और दूसरा अजीत कुमार जो कि गाड़ी लेकर अहमदाबाद गए हुए थे, वहाँ से वो वापसी आने वाले थे जो कि वहाँ पर किसी दूसरी गाड़ी ने उनको हिट कर दिया और हम वहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुँचे जो कि हमारे हम गरीब लोग हैं वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं, पर ऐसा हुआ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की वजह से उनके उनने शायद फ़ोन किया हो चाहे जो भी किया होगा, वहाँ की पुलिस ने और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनने हमारे साथ वो हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आए और उनके उनके सहारे हमें बहुत ही सहारा मिला और साथ ही उन्होंने हमारे लिए फ्लाइट का प्रोग्राम भी किया और इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो दो युवा थे जो इनके परिवार हैं अब उनके आगे जो बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो यहाँ का जिला प्रशासन है यानी कि जो DC रामबन है उन्हें भी ये कहा है कि हर संभव कोशिश जो है हर संभव मदद जो है वो इस पीड़ित परिवार की जाए और बच्चों की शिक्षा का खासा ख्याल रखा जाए और जहां तक संभव हो सके आर्थिक मदद भी इन परिवारों की जाए। तो इस खबर को आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो सरकारें होती हैं उनका क्या काम होता है और किस प्रकार से यदि कोई सरकार क्रियान्वयक है और यदि कोई सरकार सच्ची नियत रखती है तो वो प्रत्येक पीड़ित और जरूरतमंद तक अपने हाथ पहुंचाती है, उसकी मदद करती है और विशेषकर उन लोगों की सहायता करने से कभी नहीं चूकती जो लोग वाकई में कोई काम करने में असमर्थ होते हैं और विशेषकर उस समय जब वो अपार पीड़ा में होते हैं। और इस परिवार की बात करें, इन दो परिवारों की बात करें यानी कि महेंद्र सिंह सन ऑफ
करतार चंद जो कि ट्रक चालक था और जीत सिंह सन ऑफ चुनीलाल, ये दोनों ही साना के रहने वाले हैं, तहसील भटोत रामबन के। तो ये दोनों परिवार जो थे ये इनके शव लाने में असमर्थ थे। इन्होंने सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा और सरकार ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। और इसमें जो यहाँ के नेता थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई और पूरे मन से जो है वो कार्य किया और एक मिसाल कायम की कि बेशक किसी के पास कितना बड़ा मंत्रालय क्यों ना हो, वो अपने कामों में कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन उसके अपने क्षेत्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह उससे जरूर करना चाहिए और प्रत्येक जरूरतमंद तक सरकार के हाथ पहुंचने चाहिए और सरकार के हाथ उसके मंत्री या सांसद ही होते हैं, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मामले में साबित किया है। और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उन्हें इस बात का संतोष है कि सरकार ने आवश्यकता के समय, जरूरत के समय उनकी मदद की। हालांकि जिन लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तो है कि यहाँ की सरकार उनके साथ है, उनके बच्चों के साथ है, उनके बच्चों की शिक्षा का ख्याल सरकार को है, उनकी आर्थिक का मदद का ख्याल जो है वो सरकार को है। तो कुल मिलाकर सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि वो लोगों की मदद करे, बुरे समय में लोगों के साथ खड़ी दिखे। और कहीं ना कहीं सरकार के इस स्वरूप को जो है वो इस मामले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वो साकार करके दिखाया है और लोगों ने भी जो है वो इस पूरे कार्य की काफी प्रशंसा की है। नमस्कार।